खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशस्तों पर नामुंतखब अरकान के हल्फ का मामला सुलझ ना सका। इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन मुलतवी करने के फैसले के खिलाफ समात मंगल को होगी। तफसील जानते हैं एहतशाम बशीर से। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशस्तों पर इलेक्शन का मामला कानूनी पेचीदगियों में उलझ गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपोजिशन जमातों को मिलने वाली मखसूस नशस्तों पर हल्फ लेने को तैयार नहीं, जबकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मखसूस नशस्तों पर 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया जाए। अदालत ने भी स्पीकर को हुक्म दिया कि अरकान के हल्फ के लिए इजलास बुलाया जाए। दूसरी तरफ स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने इजलास के हवाले से हाईकोर्ट से रुजू कर लिया है। हम जरूर इस पे अमल दरामद करते, मगर चूँकि हमारे पास इजलास को इनिशिएशन था ही, तो इसलिए जब इजलास ही नहीं है तो हम किस बात पर अमल दरामद कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सेनेट इलेक्शन के लिए अमला खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जाएगा और अदालती हुक्म के मुताबिक फैसला करेगा, जबकि इलेक्शन कमीशन के इंतखाब मुलतवी करने के फैसले के खिलाफ पीटीआई अरकान ने भी दरख्वास्त दायर कर रखी है। अदलिया की आजादी, क्योंकि अल्लाह ताला हुक्म देता है कि अदल कायम करो, इंसाफ। आज हमने इंसाफ और अदल के साथ खड़े होने और इसमें कौम सामने आई है और इंशाल्लाह आगे भी पुरअमन एहतजाज हमारा जारी रहेगा। अब इलेक्शन के इनेकाद का दारोमदार हाईकोर्ट के फैसले पर होगा। एहतशाम बशीर, एक्सप्रेस न्यूज, पिशावर।